कई बार टीनेज गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फ्लो में अलग अलग कलर्स आते हैं, कभी रेड कलर होता है, कभी ब्राउन कलर होता है, कभी कभी तो हैवी ब्लड क्लॉट्स भी गिरते हैं। इन सब कलर्स की वजह से लड़कियां बहुत बार कंफ्यूज हो जाती है, एक तरह का डर होता है उनको। आपको भी ये कंफ्यूजन होता होगा ना, आपको भी एक तरह का डर होता होगा कि ये मेंसेस का कलर क्यों चेंज हो रहा है। इन सब कंफ्यूजन का आंसर आज हम जानेंगे हमारी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर चार्मी देशमुख से। लेट्स वेलकम हर। हेलो डॉक्टर। हेलो। पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है उसका कलर हल्का अलग अलग होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, ये तो हम सबको पता है, हमने देखा ही है ब्लड। जो पीरियड में ब्लड जाता है वो ब्लड के साथ साथ जो थैली की लाइनिंग होती है वो भी उसके साथ जाती है। यही नहीं, ये जो ब्लड जाता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड के हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करते हैं। जब ये हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसका कलर ब्राउन हो जाता है। जो एंजाइम्स की मात्रा होती है वो जब ज़्यादा होती है तो ब्राउन कलर ज़्यादा होता है, जब वो कम होती है तो रेड कलर ज़्यादा होता है। ऐसे ही जब आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो कलर रेडिश में होगा, जब ब्लीडिंग थोड़ी कम हो रही है तो कलर ब्राउनिश में होगा। तो यूजुअली हमने देखा है कि जब पीरियड शुरू होता है तो हल्का ब्राउन कलर होता है, दूसरे तीसरे दिन में जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो वो रेडिश दिखने लगता है, और जब बंद होता है तो वापस थोड़ा ब्राउनिश चेंज होता है। तो ये कलर चेंजेस से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लॉट्स क्यों बनते हैं? जब भी ब्लड ब्लीडिंग होता है तो वो ब्लीडिंग रुकती है, वो मैकेनिज्म को हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। बट जो पीरियड का ब्लड होता है उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, पर कभी कभी जब ये एंजाइम्स थोड़े कम पड़ते हैं तो आपको हल्के फुल्के क्लॉट्स जा सकते हैं। अगर आपके क्लॉट्स छोटे 1-2-3 सेंटीमीटर के हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर क्लॉट्स बहुत बड़े हैं 5 सेंटीमीटर या उसके ऊपर है तो हमको ये देखना है कि आपको इसके साथ साथ ज़्यादा पैड्स भी बदलने पड़ रहे हैं क्या, क्योंकि बड़े क्लॉट्स इस चीज़ का अंदाज़ा दे सकते हैं कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। तो बात यह है कि पीरियड के कलर, पीरियड के जो ब्लीडिंग का कलर होता है उसके चेंजेस से आपको घबराना नहीं है, हल्के फुल्के क्लॉट से भी आपको घबराना नहीं है, पर जब आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर क्लॉट्स बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं तब आपको शायद अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।